यूपी में 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। महाराष्ट्र पुणे में 1400 स्कूलों ने बंद की ऑनलाइन क्लास, फीस नहीं दे पा रहे अभिभावक। अखिलेश यादव ने कहा किसानों की बात सुनने की बजाय बीजेपी सरकार उन्हें बदनाम करने में लगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक पोर्टल की शुरुआत की, जिस पर कम से कम 30 करोड़ बच्चे एक साथ कहानियां पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में 9 महीने बाद खुले उच्च शिक्षण संस्थान, छात्रों की उपस्थिति रही बहुत कम। यूपी के गोरखपुर में बारात में नाचने के दौरान फोटो खींचने के विवाद पर हुई मारपीट, एक युवक की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ससुराल के घर में महिला के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बनेगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, शॉपिंग से लेकर के पार्किंग तक की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन, दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने दी चेतावनी, आज बंद करेंगे सभी सीमाएं। अमेरिका में बापू की प्रतिमा तोड़े जाने पर व्हाइट हाउस ने जताया खेद,